हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झार ट्यूटोरियल। झार ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 26 का 14th नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 2-3.4 एंड 1-2.1। आपको दो लाइन दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन रेशियो 2-3.4 और 1-1 है, और आपको उन दोनों लाइन के बीच में एंगल बताना है। आप कैसे बताओगे? सोचो, हम लोग जानते हैं, आपको एक फेमस सा फॉर्मूला पता होगा, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बिल्कुल पता होगा। अच्छा, यहां L1 M1 N1 क्या है? पहले वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, और L2 M2 N2 क्या है? दूसरे वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हम लोग L1 M1 N1 और L2 M2 N2 निकाल ले, तो हमारे लिए cos थीटा निकालना ईजी हो जाएगा। और जैसे ही हम लोगों ने cos थीटा निकाल लिया, थीटा निकालना तो बच्चों वाली बात है। तो हम लोग L1 M1 N1 कैसे निकाले जबकि हमको इसका डायरेक्शन रेशियो पता है? तो L1 क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा 2/√2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि बार बार हमको यही पुट करना पड़ेगा। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? क्या होता है डायरेक्शन रेशियो? बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डायरेक्शन रेशियो। ये आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना रहे हो। और अगर आपको नहीं पता ये वाला कैसे ये प्रोसेस है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब यही है। आपको पता है, ठीक है भाई, पता है। तो आगे बढ़ते हैं। और मैं ये सब बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले कमेंट आया कि आप अच्छे से नहीं समझाते हो, आप डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं देते हो। तो इसमें क्या डिटेल्ड सॉल्यूशन देना, आपको पता होगा कैसे कैसे होता है, मैं तो बस आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में दो ही चीज होता है, या तो आपका कहीं कंसेप्चुअल एरर है या फिर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। इन्हीं दो चीजों को आपको सॉल्यूशन में देखना होता है, और ये कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है कि आप सबको आता होगा। चलिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 4+9+16, यानी कि 9+16 ये 25, ये हो गया √29। तुम्हारे पास L1 क्या हो गया? 2/√29। ऐसे ही हमारे पास M1 क्या हो जाएगा? -3/√29। और N1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/√29। ऐसे ही हम लोग L2 निकालते हैं। L2 निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया √1+4+1, यानी कि √6। अब हम लोग L2 निकालते हैं, L2 क्या हो जाएगा? 1/√6। बिल्कुल अच्छा। उसके बाद M2 क्या हो जाएगा? 2/√6। अच्छा, N2 क्या हो जाएगा? 1/√6। अब हम लोग को पता है कि cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। L1 L2 यानी 2/√29 इंटू 1/√6 प्लस -3/√29 इंटू 2/√6 प्लस हमारे पास 4/√29 इंटू 1/√6। मेरी राइटिंग समझ तो आ रही है? हाँ, समझ आ रही है, ठीक है। ये हो गया 2-6+4, और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा √29 इंटू 1/√6। तो ये ऊपर में तो हो गया 4+2 6, 6-6 जीरो, 0/√29 इंटू 1/√6, यानी कि ओवरऑल जीरो हो गया। इसका मतलब cos थीटा जीरो है हमारे पास, इसका मतलब थीटा है π/2 यानी 90 डिग्री। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15th नंबर क्या कह रहा है। 15th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction ratios are 1-1-2 एंड √3-1, -√3-1 और 4। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आपको दो लाइन दिया हुआ है, उन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है उन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा। तो पिछले वाला फंडा यूज करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, फिर इसका हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, और फिर हम लोग इस फॉर्मूला पुट कर देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1+1+4 यानी कि √6। अब हमारे पास L1 क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो बाय √6, 1/√6। और M1 क्या हो जाएगा? 1/√6
और ऐसे ही n1 क्या हो जाएगा, 2 बाई अंडर रूट 6। अब ये मत पूछना कि ये क्या कर दिए आप, नीचे में कैसे ला दिए। भाई अगर नहीं आ रहा इसका मतलब तुमने पढ़ाई ही नहीं की है और तुमको आना चाहिए ये बात। अब देखो इसी तरह से हम लोग L2, M2 और N2 निकालेंगे। तो अब L2 निकालते हैं। L2 निकालने से पहले सबसे पहले अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3। यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3। अब ये मत पूछना कैसे हो गया भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े हैं और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े, जहां पे a है माइनस 3 और b है माइनस 1 और ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16। देखो माइनस 2 रूट 3 और प्लस 2 रूट 3 कट गया, ये हमारे पास हो गया अंडर रूट 24। ठीक है अब हम लोग L2 निकालते हैं। L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 24। अच्छा M2 क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 24 और N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा हमारे पास 4 बाई अंडर रूट 24। अब हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये क्या हो गया देखो L1 1 बाई रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 24 प्लस 1 बाई रूट 6 इंटू माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 24। ठीक है माइनस 3 माइनस 1 बाई 24 बिल्कुल, अब प्लस 3 रूट 6 इंटू भाई 3 रूट 6 तो नहीं, 2 ही रूट 6 है ना, हाँ 2 रूट 6 हो जाता है कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 रूट 6 इंटू 4 बाई अंडर रूट 24। ठीक है अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और 20 अंडर रूट 24 इंटू अंडर रूट 6। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहां पे साइड में बताता हूं मैं, अंडर रूट 24 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 4 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 तो 2 हो गया और अंडर रूट 6 तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। अब देखो हमारे पास 24 इंटू अंडर रूट 6 है यानी कि रूट 6 इंटू 2 इंटू रूट 6 है यानी कि ओवरऑल हमारे पास आ गया 2 इंटू 6 यानी कि 12। यानी कि इन दोनों की जगह हम लोग 12 लिख सकते हैं। यहां पे माइनस 3 माइनस 1 बाई 12, यहां पे 4 टू 8 बाई 12। अब देखो ये हो गया रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस 8 और एलसीएम में 12। देखो प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 कट रहा है, 8 माइनस 2 हो गया हमारे पास 6 और नीचे आ गया हमारे पास 12 यानी ये हो गया 1 बाई 2। तो हमारे पास cos थीटा आ जाता है 1 बाई 2, इसका मतलब थीटा कितना, थीटा पाई बाई 3। भाई cos पाई बाई 3 तो 1 बाई 2 होता है इसलिए थीटा पाई बाई 3, इतना आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स R1 एंड R2 और R1 R2 है हमारे पास, R1 है हमारे पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और R2 है हमारे पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। R1 R2 हमको दिया हुआ है और बोला जा रहा है हम लोगों से क्वेश्चन में कि R1 R2 वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। तो देखो हम लोग R1 का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, R2 को डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं और फिर वही वाला फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इस वीडियो में जो 3 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन पहले किए हैं और 1 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, सब में यही फॉर्मूला का यूज हुआ है। तो मैं यही ट्राई कर रहा हूं कि हर एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन एक वीडियो में कराया जाए। तो इसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, L1 ये हो जाएगा 3 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग ये वाला टर्म सॉल्व कर लेते ताकि हमको आगे भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने में आसानी हो। तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि ये हो गया अंडर रूट 14 यानी कि हमारे पास L1 आ गया 3 बाई अंडर रूट 14। अच्छा ऐसे ही हमारे पास N1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई अंडर रूट 14 और N1 हो जाएगा हमारे पास 1 बाई अंडर रूट 14। अब देखो इसी तरीके से हम लोग L2 M2 N2 निकालेंगे। देखो L2 M2 N2 निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं ये मत पूछना, अगर आपको नहीं पता तो आपने पढ़ा नहीं है ढंग से।
ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 49, ये हो जाएगा हमारे पास 49 और ये रहा 16 और 90, अंडर रूट 90 हो गया जी, ठीक है। अच्छा तो L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा 4 बाई अंडर रूट 90 4। अच्छा M2 हो जाएगा हमारे पास 5 बाय अंडर रूट 90 और N2 हो जाएगा 7 बाय अंडर रूट 90। बिल्कुल भाई, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है पुट करते हैं और देखते हैं, प्लस N1 N2, ये क्या हो गया, ये हो गया 3 बाय अंडर रूट 14, यहां से मैं देख रहा हूं 3 बाय अंडर रूट 14 इंटू 4 बाय अंडर रूट 90, ठीक है भाई, प्लस माइनस 2 बाय अंडर रूट 14 इंटू 5 बाय अंडर रूट 90 प्लस 1 बाय अंडर रूट 14 इंटू 7 बाय अंडर रूट 90, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 12 माइनस 10 प्लस 7 इंटू अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 90, ये तो हो गया हमारे पास 9। और इसको जरा हम लोग तोड़ के लिखते हैं, इसको तोड़ के लिखेंगे तो अंडर रूट 14 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 2, और अंडर रूट 90 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 10, और अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 10 से लिखने से बढ़िया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, 9 5 जा 45, 45 इंटू 2 90। अब देखो हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये हो गया 2, ठीक है, और अंडर रूट 9 हो गया हमारे पास 3, तो यहां मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं 9 ये 3 इंटू 2 इंटू 7 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 ये हो गया अंडर रूट 35, और ये 3 से 3 कटेगा तो यहां हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 बाय 2 रूट 35, यानी कि cos थीटा हमारे पास, यहां साइड में बता रहा हूं मैं, cos थीटा हमारे पास आ गया 3 बाय 2 रूट 35। बिल्कुल, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 3 बाय 2 इंटू अंडर रूट 35, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।